अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैटलिस्ट टीम इज बैक विद अनदर एपिसोड। आज आपके सामने फाइजा हैं, सुमला हैं, पर सजल नहीं है। अपनी वर्क कमिटमेंट्स की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई, तो जब तक वो हमारे साथ नहीं है आपको फाइजा का और मीशा का से गुजारा करना पड़ेगा। इट्स गुड टू बी बैक बैक टू द टेबल सुमला। दैट्स राइट, एंड क्वाइट एक्साइटेड। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? सो फाइजा, आज हम बात कर रहे हैं SNC, सिंगल नेशनल करिकुलम। तो बात स्टार्ट होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जब इन्होंने अपना टेन्योर स्टार्ट किया था तो इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड 4 पॉइंट्स को एनहांस किया था, उसके बारे में बात की थी। तो वो 4 पॉइंट्स में हम एज सारी नेशन ऑन बोर्ड कर गई थी, क्योंकि वो कोई भी जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फौरन से अलाइन कर जाते हैं उन पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट ये था कि सारे के सारे बच्चे, जितने स्ट्रीट्स पे बच्चे हैं उनको वापस स्कूल में लाया जाएगा, वापस जो कभी नहीं गए उनको भी लाया जाएगा। अब उसको मैंडेट करने के लिए रिफॉर्म्स एंड बिल्स जो है वो तहरीर किए जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 उसमें ये था कि क्लासिज्म का इख्तिताम होगा, यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एटलीस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वो क्लासिज्म का वहां इख्तिताम होगा। अब पॉइंट नंबर 3 था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा। एंड देन पॉइंट नंबर 4 वॉज टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे 4 पॉइंट्स। अब इन 4 पॉइंट में से हम SNC पे आज बात करेंगे, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि हम सारे चारों के चारों को ज्वाइन इन कर सकें। तो SNC इज द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन। एंड नॉट ओनली दैट, आई वांटेड टू ऐड कि बाकी सारी चीजें अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रही है, तो अभी आया तो सिंगल नेशनल करिकुलम ही है। Yes, that is on our surface, that's why we're talking about it. तो बताइए मुझे, आप बताइए SNC क्या है? SNC जो है बेसिकली, जिसको हम यकसा कौमी निसाब भी कहते हैं, उसकी रूह से पूरे मुल्क में, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन दैट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और वो हर इंस्टीट्यूशन ने इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मदरसा हो गया ठीक। और दूसरी बात यह है कि इन तमाम इदारों के ऊपर कोई इस बात की ऑटोनॉमी भी मिलती है कि अगर इससे ओवर एंड अबव कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इतना मिनिमम तो उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है, दिस इज द क्रक्स ऑफ SNC। ठीक है, और चूंकि ये एक नेशनल लेवल पे आपका पूरा प्रोग्राम है, इट्स वेरी एक्सटेंसिव एंड एम्बिशियस। इट इज डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस। ओके, और इसका जो पहला फेज है वो August 2021 में इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसकी रूह से Grade 1 से Grade 5 के का करिकुलम डेवलप्ड है और टेक्स्ट बुक्स तैयार हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात है जो, और जो सेकंड इसकी वेव है, जो सेकंड फेज है, वो है Grade 6 to 8 का, और जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जो तीसरा है Grade 9 to 12 का, उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो फाजा, ये इसके जो SNC है इसके अंदर ये करिकुलम को थोड़ा सी डम डाउन करते हैं। एक आम जबान में SNC में क्या शुमार होता है, उसके जो निसाब के अंदर क्या चीजें, क्या तब्दीलियां हैं? जो मेन फोकस जो तब्दीली का आया है वो 2 पॉइंट्स है सुमला। पहली बात तो ये कि जो आपके मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे स्कूलों में और मदरसों में वो उर्दू में होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कुरान और सुन्ना की जो टीचिंग्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, ये 2 मेन फोकस है इनका, SNC का। इसके अलावा जो की कंसिडरेशंस हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वेबसाइट पे भी मेंशन है, जो कि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, वो उनमें आता है कि दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और तीसरी बात उसमें आती है कि जी प्रमोट क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और चौथी बात आती है अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडीज। ओके, ये स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए, अलाइंड करने चाहिए। ठीक है, नहीं, ऑन सरफेस दीस पॉइंट्स आर रियली गुड, कंसीडरेशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन SNC क्या एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहा है और क्या हम उसको किस तरह से हम जो हमारे पास अब जो डेटा डेवलप आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, उसके बारे में फिर हम जरा तफसील से गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी की कंसिडरेशंस जो अभी हमने डिस्कस की हैं। सुमला, मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि इन सबको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है जी, आपने सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट कर दिया, बट व्हाट अबाउट द 3 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन राइट नाउ इन पाकिस्तान? वो बच्चा इससे उसको क्या फायदा होगा सिंगल नेशनल करिकुलम से? सो फायजा, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है जी, लेकिन मैं फिर भी इसको एक ही बकेट में जो है ना एड्रेस करना चाहूंगी, चाहे बच्चा स्कूल के बाहर है जी, चाहे बच्चा स्कूल के अंदर है। ओके, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। When we talk about infrastructure, infrastructure क्या होता है?
यू हैव योर टीचर्स, आपको टीचर्स चाहिए, आपको बिल्डिंग्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए. इसके अलावा स्कूल्स के, स्कूल की जितने भी लटरम पटरम है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं. तो वो आर्किटेक्चर कहाँ पर है, ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आ गई. दूसरी बात आ जाती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की. आपने कहा सिंगल नेशनल करिकुलम में जो है सबको फायदा पहुंचेगा, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगा, इस इंटरनेशनल अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के साथ. लेकिन आप ये देखें कि हमने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उनका तो यकसा हिसाब ले आए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनका अच्छा स्टैंडर्ड था, हमने उनके स्टैंडर्ड को पुल डाउन कर दिया, ठीक है. इट्स नॉट इतना अच्छा सेट नहीं कर रहा और प्राइवेट स्कूल्स के साथ. दोनों को, दोनों इंस्टीट्यूशंस को सेपरेट रखना चाहिए था. लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डाउन. नहीं, मेरे ख्याल में कि यू नो मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने से फायदा होता, लेकिन मेरे नजदीक वो स्टैंडर्ड आप गवर्नमेंट स्कूल्स का बढ़ाते, ना कि आप उसको उस लेवल पे रखते कि यू नो आपके जो है प्राइवेट स्कूल्स वो फील, वो उनको लगे कि हमारा स्टैंडर्ड लो हो गया. अब तीसरी बात यह है कि इस सारी चीज के लिए आपको एक हैवी प्लानिंग चाहिए, ठीक है. अब उस हैवी प्लानिंग के अंदर आपके, आपने फेजेस की बात की, लेकिन उस फेजेस के अंदर आप फेज इन तो आप हो रहे हैं, बट व्हाट इज योर स्ट्रेटजी ऑफ फेजिंग आउट. अगर आपने ये कहा कि जनाब अली उर्दू का, उर्दू बच्चा पढ़ता है फौरन से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएगा, इसी तरीके से एक अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा है वो फौरन से उर्दू नहीं पढ़ पाएगा, तो क्या उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टीचर्स, वो ट्रेनिंग मौजूद है? सिमिलरली क्या इन स्कूल्स के पास वो वाले टीचर्स जो जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो उनको अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग से क्या चीजें वो मौजूद है? मुझे तो सिर्फ सरफेस पे ये नजर आ रहा है किताबें छाप दी गई हैं और जनाब अली पे एग्जीक्यूशन होने वाली है. और यार सबसे बड़ी बात यह है कि सबके सब तो बेवकूफ नहीं है ना. अगर ये इतना अच्छा सिस्टम है, इतनी अच्छी इसकी प्लानिंग हुई भी है, तो हमारे जितने भी यूजर्स हैं, अब यूजर्स से क्या मुराद, यूजर से मुराद आपके टीचर्स आगे, यूजर से मुराद आपके स्टूडेंट्स आगे, आपके पेरेंट्स आगे, और ये जो जितने भी आपके जो एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है. तो इन्होंने इतना रिएक्शन, इनका इतना ज्यादा वाइल्ड क्यों था कि हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे? तो क्लियरली वी कैन सी के एसएनसी में काफी शॉर्टकमिंग्स हैं और वी विल फर्दर एलैबोरेट ऑन दैट कि वो क्या क्या है. थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन आप क्वालिटी की चीज प्रोड्यूस करें रादर देन हैव कुक्ड थिंग जिससे सब चीजें डिस्ट्रॉय हो. एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपको नेशन वाइड कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी, पहले कोई एक पायलट प्रोजेक्ट कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, जस्ट टू टेस्ट इट हाउ इज इट ब्रिंगिंग अबाउट रिजल्ट्स, राइट? बिल्कुल. तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अबाउट दिस सब्जेक्ट अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल. एंड विद द नेक्स्ट थिंग आई थिंक वी, व्हाट आई रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि जो क्रिटिक मिल रहा है इस वक्त एसएनसी को फ्रॉम सो मेनी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से जो मिल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट. द यूजर्स, द यूजर्स, लेट्स टॉक अबाउट हाउ द यूजर्स आर रिएक्टिंग, आर रिएक्टिंग टू इट. यस, ओके. तो क्रिटिक, क्रिटिक की बात करते हैं. तो पहले तो पॉइंट रेस करते हैं कुरान सुन्ना का. कुरान और सुन्ना की ये जो इंक्रीज इंडक्शन है जी, अगर ये इतनी ही अच्छी है तो फिर हमारे पेरेंट्स को और ये जो एजुकेशनिस्ट हैं उन सबको इतना इशू क्या है? देखिए जी, जो सबसे पहला इशू जो आता है, रेज होता है, इंटरेस्टिंगली वो मदरसों की तरफ से आता है. अच्छा. जहां पे पहले से जो मदरसे में तो पढ़ाया ही सिर्फ कुरान की और सुन्नत की तालीमात है, उनका बात ही रट्टेबाजियां. हाँ, रट्टेबाजियां, एग्जैक्टली. तो उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया है क्योंकि इतनी हैवी इंडक्शन की है उन्होंने वहां पे. और आपको कुरान और नाजरा की जो तालीमात है ये रोट लर्निंग्स पे बेस्ड होती है, रट्टेबाजी पे बहुत. तो ये तो उनके की कंसिडरेशन के, वो कहते हैं ना कि रट्टेबाजी का खात्मा किया जाएगा जी. तो ये कहां खात्मा हुआ? वो बात कर रहे थे दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से, नॉट इन टर्म्स ऑफ कुरान नहीं आएगा. हाँ, कुरान की टीचिंग्स के हिसाब से वो बात नहीं हो रही थी. सही. तो लेकिन अब चूंकि, लेकिन रोट लर्निंग पे बेस्ड है और इट इज वेरी डिसिप्लिनेरियन और बहुत रिगरस टीचिंग होती है. आपको तो पता है बच्चे ऐसे ऐसे रट्टा मार रहे होते हैं, राइट? सही बात है. तो एक तो उन्होंने वो करिकुलम बढ़ा दिया बहुत ज्यादा. दूसरी बात उन्होंने ये की है कि इतनी हैवी लर्निंग, जब इतना ज्यादा बोझ जब आप एक ग्रेड वन के बच्चे पे डालेंगे, उसको अपनी रेगुलर एजुकेशन भी जो वो हासिल कर रहा है, साथ में ये रिगरस पार्ट भी आ जाएगा, इससे उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज हैम्पर होती हैं. अच्छा. ठीक है. और ये बात आसर और की एजुकेशन रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से यू नो वेरीफाई हो जाती है कि दिस विल हैम्पर द चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज इन द लॉन्ग रन. और उसके अलावा इन्होंने जो एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आपके तमाम स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तमाम स्कूलों में दो कारी साहब असाइन किए जाएंगे अलॉन्ग विथ वन मैजिस्ट्रेट ऑल्सो,
who will be sitting on top of the child's head. ये बड़ा एक policing किस्म का एक होगी बच्चे के ऊपर कि बच्चा सही पढ़ाई कर रहा है, register कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो burden तो पढ़ाई का आया ही आया, साथ में over and above और burden भी आ गया जब there are three people who are overlooking you and this creates a very matawa kind of culture, Sumla, जो कि बच्चे की ज़हन पे काफी इमोशनल और साइकोलॉजिकल बर्डन भी डाल सकता है. देखो फायजा, मैं ना इस बात पे थोड़ा सा इसी बात को एक्सटेंड करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट है जो की कंसिडरेशंस के मैं बिल्कुल ऑपोजिट जाती हूँ. जब वो बात करते हैं ना इंक्रीज्ड इंडक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना इन आवर स्कूल सिस्टम एंड मदरसा, मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि आप स्टेट और रिलीजन को कैसे मिक्स कर रहे हैं और एजुकेशन के अंदर इंड्यूस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू ट्राइंग टू डू दैट? क्योंकि रिलीजन जो है ना मेरे लिए बड़ा पर्सनल है, ठीक है, और कुरान में देख लें या फिर हमारे इस्लाम में देख लें, ये मौलवियों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई यू नो ये किसी किस्म का प्रोफेशन नहीं है. ये तो एक माँ बाप की तालीम है जो उन्होंने अपने बच्चों को देनी है कि हम किन चीजों को बिलीव करते हैं और हमें क्या करना चाहिए. ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी. अब जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स है ना जो इस चीज के अगेंस्ट है, वहां पे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी वो उसके फेवर में भी है. रियली? तो जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आप मुझे अपना पॉइंट बताइए, तो वे कहते हैं कि सुनना देखो हमारा जो बच्चा है ना पहले सुबह स्कूल जाता है 4-5 बजे घर को वापस आता है, फिर उसके बाद स्कूल का होमवर्क करना है, फिर 6-7 बजे जाके 8 बजे आके उनके मौलवी साहब आते हैं उन्होंने वो पढ़ाई करनी है, तो बच्चे में इतना बर्डन है. ठीक है, तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्कूल ही में कर आएंगे तो उनके पास फ्री टाइम आ जाएगा. कहने की तो कितनी अच्छी बात लग रही है. अरे भाई आपने अगर कुछ रिड्यूस करना है उनकी जिंदगी में तो कहीं और से रिडक्शन लेकर आए. पहले क्या था, पहले माँ बाप पढ़ाते थे, फिर ये मौलवी आए, हमने माँ बाप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन मौलवी को शिफ्ट कर दी. अब हम ये कह रहे हैं हम बिल्कुल बरी जमा होना चाहते हैं कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये कंट्रोल भी हम स्कूल को दे रहे हैं, तो फिर कल को हम रोएंगे जी हमारे बच्चे ये सोच के कोई यहाँ पे दहशतगर्द पैदा हो गए, कोई कुछ हो गए. हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बच्चों को कंट्रोल तो सब कुछ दे दिया, अब तो स्कूल सिस्टम का कंट्रोल सब कुछ उनको दे दिया, तो हाउ यू कंट्रोल दिस? क्या आपके पेरेंट्स के पास इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही ना इतनी ज्यादा? कन्वीनिएंटली हम लोग कह देते हैं कि जनाब अली तो बच्चा वहां से आ जाएगा. नो, कुछ और काम करें भाई, डोंट डू दैट. नहीं, ये बहुत ही ज्यादती की बात है. और इसके अलावा जो और वायलेशंस हो रही हैं अंडर एसएनसी वो ये है कि जितनी देर में आपका बच्चा इस्लामिक एजुकेशन लेगा जो कि मुसलमान बच्चा है, उतनी देर में उस वक्त में आपका हिंदू स्टूडेंट और एक क्रिश्चियन स्टूडेंट क्या कर रहा होगा? क्योंकि शुरू में जब ये एसएससी की बात हो रही थी तो अखबार में मैंने पढ़ा था कि दैट चाइल्ड माइट बी आस्क्ड टू लीव द क्लासरूम एंड सेट आउटसाइड. दैट्स नॉट फेयर, दैट्स वेरी अनफेयर टू देम. अगर आप देयर इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी हियर. एग्जैक्टली, आई मीन वो बच्चा, इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग टू देम. आप फिर उसके लिए भी किसी पंडित का बंदोबस्त करें? एब्सोल्युटली. आप उसके लिए चर्च से किसी फादर को बुलाएं जो उसको उसकी रिस्पेक्टिव एजुकेशन दे? हमारे लिए बच्चे सारे बराबर. अगर आपको रिलीजन है तो रिलीजन सारे बराबर है. ये बच्चे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है. तो अगर आपने रिलीजन इतना ही करना है, देन डू द रिलीजन अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स. मेरा पॉइंट तो ये रिलीजन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने करना है तो हर बच्चे को इक्वली तौर पर ट्रीट किया जाए. हाँ, तो ये तो माइनॉरिटीज की तुमने बात की, ठीक है, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पेशरफ थी जी. वो पेशरफ थी जो क्रिटिसिज्म भी हमने सुना था अबाउट द प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स. तो इन्होंने प्रिंटिंग में भी बहुत चेंजेस लाए हैं, राइट? एग्जैक्टली. और हुआ यूं कि जो कवर पेजेस आए हैं वो बड़ा जेंडर बायस क्रिएट कर रहे हैं, इन द सेंस के जो खवातीन हैं घर की, जिसमें माँ और बेटी हैं, वो जमीन पे बैठे हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ है, सर पे हिजाब किया हुआ है, और जो मर्द हजरात हैं जिनके वालिद साहब और बेटे, वो ऊपर सोफे पे बैठे हुए हैं और उन्होंने वेस्टर्न अटायर पहना हुआ है. तो इतना इन योर फेस डिफरेंस क्रिएट करने के क्या का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया. पहले हमारी किताबें कैसे हुआ करती थी? हमारे जिस जमाने में हम बड़े हो रहे थे तो उर्दू की पहली दूसरी किताब में ये होता था कि लड़का और लड़की इकट्ठे बैठते थे और मिल के किताबें खोल के पढ़ रहे होते थे. वो उस तरह का उन्होंने एक एक कोई जेंडर बायस इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपने कंटेंट को कंट्रोल कर लिया जी. नसाब क्या पढ़ाएंगे आपने उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है. अब आपकी प्रिंटिंग जो विजुअली आपकी जो है, तो ये तो मुझे कट एक नजर आ रहा है जहाँ पे एक बच्चे को हमने सोच लिया कि हमने दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे और फिजिकली तौर पे क्या चीज बनानी है. आपने पहले से एक बड़े सबलिमिनल लेवल पे उसको उसके दिमाग में चीजें फीड करनी शुरू कर दी हैं. हाँ.
एक तो चीज ऑलरेडी अपने पहचान से नहीं, और सुमला वो तो पहले ही अपने घर में ये चीज देख रहा है. दिस इज समथिंग नॉट वेरी न्यू टू द चाइल्ड एनीवेज. लेकिन एजुकेशन जब बच्चा हासिल करना चाहता है तो उसके दिमाग रोशन होगा, कोई नई साइंटिफिक और एडवांसमेंट सीखेगा वो. ये तो आप उसको और पीछे लेके जा रहे हैं. चलो बेटा हम घर में क्या होता है, हम आपको वो चीजें सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं. मतलब देयर इज नो नीड फॉर दैट. देयर वाज, इट्स जस्ट लाइक यू आर क्रिएटिंग दैट जेंडर बायस. लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट इटसेल्फ, राइट? जैसे कि हम लोगों ने वो देखा था कि डार्विन थ्योरी के साथ क्या हुआ, राइट? डार्विन की थियरी एवोल्यूशन को उन्होंने आई थिंक निगेट करने की कोशिश की है उसमें. हाँ, हमारे तो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ था. फर्स्ट आई वाज लाइक कि ये इज इट ट्रू, बट आई रीड इट मायसेल्फ, यू नो, कि वो जो उनकी थियरी ऑफ एवोल्यूशन है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि दिस इज व्हाट द थियरी ऑफ एवोल्यूशन है. सो फिर नीचे आ रहता है, लेकिन जो इस्लाम है या हम लोग ये चीज नहीं बिलीव करते हैं, एवोल्यूशन में हम ये नहीं लाते. आई मीन आपने साइंस फैक्ट्स बेस को और इसके साथ साथ वाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट मुझे एक तीसरी बात याद आई जो की है खातून खाना की जिम्मेदारियां. ये भी मैंने उनके टेक्स्ट बुक्स में कहीं आया है कि जी वो घर में खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाइयां करती हैं, बच्चों को देखती हैं. ठीक है, ये हम सब खवातीन करती हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. लेकिन साथ ही साथ में एक औरत की पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ की भी बात करनी चाहिए कि क्या वो कोई तालीम हासिल कर रही हैं, क्या कोई जॉब कर रही हैं, हाउ एल्स इज शी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकॉनमी, हाउ एल्स इज शी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हर सेल्फ. ये बातें कहीं उनमें मेंशन नहीं है, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग. तो हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं कि हम, लेकिन मर्दों के और बच्चों के हिसाब से कुछ उसमें ऐसे कोई मेंशन नहीं है कि हाउ अ गाय शुड बी इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड या बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक फैमिली यूनिट का सेंस नहीं है, मर्द क्या करेंगे और औरतें क्या करेंगी, इनको सेपरेट आउट सेपरेट कर दिया. आप और आपको अगर एक यूनिट को चलाना है तो आप चारों को इकट्ठे इन्वॉल्व करके भी तो कोई एक्टिविटी डाल सकते हैं. सब मिलके खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं. क्लियरली यहाँ पे कुछ और भी एजेंडाज हैं. डेफिनेटली क्लियरली सो. यस. तो ये तो थी हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम. तो सुमला, व्हाट आर योर क्लोजिंग पॉइंट्स ऑन द सब्जेक्ट? देखो, मेरे क्लोजिंग पॉइंट्स में तो आई विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, राइट? एक तो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, दोबारा से रीइटरेट करूंगी कि मेरे नजदीक रिलीजन जी और जो स्टेट है वो सेपरेट होना चाहिए. मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहती हूँ, मैं किस सेक्स से बिलोंग करती हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं किसी बरेली सेक्स से ताल्लुक रखती हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है. और इसकी जिम्मेदारी मैं एज अ पेरेंट, मेरे पास है, किसी स्टेट के पास नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ. दूसरी चीज़ आती है 18th अमेंडमेंट की, कि ऑटोनॉमी आप दे देते हैं प्रोविंसेस को, कि जो डिजाइन करती हैं कि आप अबव जो फेडरल का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसके अलावा स्टेट क्या पढ़ाना चाहती है. मेरे नजदीक स्टेट हो या फेडरल, वंस यू डिसाइड कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अलावा जितना भी जो आप कहते हैं ना इंक्रीज्ड आपका जो लोड है वो पेरेंट्स के इलेक्टिव्स में आना चाहिए कि वो अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं. चाहे मैं सिंधी पढ़ाना चाहती हूँ, चाहे मैं फ्रेंच पढ़ाना चाहती हूँ, या इसके अलावा मैं साइंस के, फिजिक्स एंड अदर मेरा बच्चा में और कोई मतलब यू नो खसूसियात हैं, तो उस सब इलेक्टिव्स में आना चाहिए, ना कि एक जबरदस्ती आप मेरे या मेरे बच्चे के मुंह में नवाला नहीं डाल सकते. सही बात है. तो उसको आप सेपरेट आउट करें, ये सेकंड पॉइंट था. तीसरी पॉइंट है ना, वो है मेरा ये जो एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग कमीशन है. मुझे नहीं समझ आई कि ये मरियम चुगताई का तो नाम आता है, यू नो, लेकिन वट वॉज एक आपके की कंसिडरेशन हैं, एक की पॉइंट्स हैं, ठीक है. अब उनको लेके आपके कुछ माइलस्टोन्स होने चाहिए थे. तो जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ कि ये होनी चाहिए और जो मरियम चुगताई बताती हैं वर्सेस जो मुझे आउटकम नज़र आ रहा है, दे टू डिफरेंट थिंग्स. तो आपकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कमेटी ने वो कहाँ है, फेजेस कहाँ है, वो माइलस्टोन्स कहाँ है, वो माइलस्टोन्स के बाद आप अपनी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, देखें कि वो चेक पॉइंट्स कंप्लीट हुए हैं, जो हमने प्रॉमिस किया था वो चीजें डिलीवर हुई हैं, या कुछ और नया एनिमल बन गया, यू नो. सो ये मुझे वो इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आती है. ओवरनाइट करिकुलम छपता है, अगले दिन जी सबसे पहले हम नहीं मानते, दैट मींस दे वर नॉट इन्वॉल्वड, एजुकेशनिस्ट वर नॉट इन्वॉल्वड एक्सेप्ट मरियम चुगताई. सो आई डोंट सी a proper planning and execution. Aur ek cohesive agreement nahi hai sare chakkar mein. No, there is no agreement there. So where are your stakeholders in this whole gimmick? Right. Rightly said. So this is these were my three closing points. Chale, and I agree with most of them except for the
18th अमेंडमेंट, क्योंकि मैं समझती हूँ कि प्रोविंसेस के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपना करिकुलम जैसे भी डिवाइस करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, जिस अपने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से वो उस तरह से उसको ढाल सकें. और मैं लेकिन साथ ही साथ में मैं ऑन द होल मैक्रो लेवल आई एम अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल नेशनल करिकुलम, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करे कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करे, कोलैबोरेट विद द प्रोविंसेस एंड सी कि उनके कहाँ कहाँ मसले हैं ताकि उनको रिजोल्व किया जा सके. कितने आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर ही मौजूद नहीं होता, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर करे कि वहां पे टीचर मौजूद हो. और साथ ही साथ जो आपका 3 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चा इस वक्त मौजूद है, जो कि इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टिकिंग बॉम्ब है, क्योंकि दीज चिल्ड्रन, इनका क्या फ्यूचर है? इनका फ्यूचर रेस्क्यू करना स्टेट की जिम्मेदारी है, इनको अब्सॉर्ब करना स्कूलों में ये स्टेट की जिम्मेदारी है. और मैं चाहूंगी कि हमारी करंट गवर्नमेंट इस पर ध्यान ज्यादा दे. अच्छा, तो जस्ट टू रीइटरेट, तो मुझे समझ आई आप कह रहे हैं आप एसएनसी के अगेंस्ट हैं. ना जी, मैं एसएनसी के इतने फेवर में नहीं. एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसी को जो है ज्यादा एक्सरसाइज किया जाए और उसी में देखिए कहाँ कहाँ गैप्स हैं और उसी को अमेंड किया जाए. उसी को अमेंड करें ना आप, बाकी स्कूलों को मत छेड़े ना. आपको जहां जहां नजर आ रहे हैं, जहां खामियां नजर आ रही हैं, आप उनको ठीक करने की कोशिश करें. और साथ ही साथ अगर आपको रेज करना है स्टैंडर्ड, तो आप बाकी स्कूलों के साथ कोलैबोरेट करके उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको थिंक. तो everyone, this was our episode on SNC. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, है ना? बिल्कुल जी, सब्सक्राइब टू द चैनल कैटलिस्ट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. गिव अस योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.